हेलो बच्चों बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अहंकार का फल की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। वह इतना प्रांगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवन प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सम्मान्यता होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने का तरीका सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण ना हर सके। उसे एक तरकीब सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। सुंदर होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगीं कि मूर्तियों और मूर्ति कला में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसका तरीका कारगर भी सिद्ध हुआ। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञान था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुप कर बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण ना हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्ति कला का पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वह मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत का तरीका काम कर चुका था। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े, यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई वश नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार विनाश का कारण है, इसीलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।